बरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पलऊ मजरे चढ़ई गांव में 6 और 7 जुलाई को पंचम लाल हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। घटना को अंजाम देने वाले मृतक की पत्नी व पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का कारण मृतक का अपनी जमीन को बेचकर पैसे से शराब पीना बताया गया। दरअसल जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पलऊ मजरे चढ़ई गांव में 7 जुलाई को सुबह सवेरे घर के बरामदे में पंचमलाल का शव मिला तो गांव में सनसनी मच गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो शक की सुई परिजनों पर घूमती नजर आई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मृतक की पत्नी बिंदादीन व पुत्र धीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूला। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या मामला है? देखिए, 6:45 की रात्रि में एक पंचमलाल यादव की पूरे पलौ गाँव पड़ता है थाना ऊंचा हर में उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना मिली वो मौके पहुंचे थे। डेड बॉडी को देखने पे गले पे निशान थे, थ्रॉटलिंग करके उनकी हत्या की गई थी। और प्रथम दृष्टया जांच की गई तो उसमें घर के ही लोगों का हाथ है। पूछताछ करने पे पता चला कि ये दारू और मांस का सेवन करने के आदि थे। अपनी पुश्तैनी जमीनों को कम दामों में बेच रहे थे। इसी को लेकर के अभी हाल में अपने जिस मकान में रह रहा था उसके पीछे ज़मीन थी, उसका 8 लाख में सौदा कर लिया था। इसकी वजह से इसकी पत्नी और इसके बच्चे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको मार डाला जाए। इसी कारण से इनकी मौत हुई है। उसमें पत्नी और उसका लड़का धीरेन्द्र दोनों गिरफ्तार कर लिया गया।